all teachers, principals of our other branches, and more respected our parents. I want to share some my experience with your experience. बात करते हैं तो too many parents are too complex with problems of their child. ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये मेरा कहना नहीं मानता. और पेरेंट्स टीचर्स के पास आते हैं और ये कहते हैं कि मैडम मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, इसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, इसने अपना क्लास टेस्ट पूरा नहीं किया. मैं एक सिंपल एक क्वेश्चन आस्क करना चाहता हूँ आप सबसे. दुनिया की सबसे बड़ी पेरेंटिंग खुद पेरेंट्स होते हैं. एक बच्चे को जन्म दिया है, एक बच्चे को अपने संस्कार से पाला है, बड़ा किया है. मैं सुन के अफसोस करता हूं पेरेंट ये कैसे कह देते हैं कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता. सुनो, बच्चे को कहना मनवाने का सबसे आसान तरीका, एक बार आप अपने लेवल को बच्चे के लेवल के बराबर कीजिएगा. मैं एक छोटी सी एक सेकंड की कहानी से आपको जोड़ना चाहूंगा. एक माँ अपनी छोटी बच्ची को एक मेले में लेके गई और बच्ची को चुप करवाने के लिए, बच्ची रोने लग गई, माँ ने बच्ची को चुप करवाने के लिए सारे यत्न किए. ये खिलौना, ये खिलौना, ये मिठाई, ये मिठाई. और माँ थक गई, बच्ची चुप नहीं रही. और फिर माँ के मन में एक ख्याल आया और उसने तुरंत बच्ची को उठाया और अपने कंधे पर बैठाया. और जो ही बच्ची का सिर माँ के सिर से ऊपर आया, बच्ची चुपचाप हो गई और हंसने लग गई. बच्ची ने क्यों रोना चुप किया, क्या वजह हुई? बच्ची ने ये माना कि मेरी माँ ने मेरा कद खुद के कद से भी ऊपर कर दिया. किसी अभिभावक को यदि अपने बच्चे को यूं बनाना है कि ये यूं बने, तो आपको अपने लेवल को बच्चे के लेवल के बराबर लेना पड़ेगा. बच्चे के साथ आत्मसात हो जाए, बच्चे के साथ जुट जाए, बच्चे के अंदर जाए. बेटा दिखाओ, मैथमेटिक्स की बुक दिखाओ, साइंस की बुक दिखाओ, आपकी मैडम ने क्या डांस परफॉर्म किया मेरे सामने नाच के दिखाओ. आप उसके साथ नाचिए, बच्चे को प्रेज कीजिए और बच्चा ये महसूस करेगा कि मेरे पापा मेरे जैसे. हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चे को क्या कह रहे हैं? तुम ये नहीं करते, फलां का बच्चा ऐसे करता है. तुम यूं नहीं करते, फलां का बच्चा ऐसे करता है. इसका अर्थ ये हुआ घर में दो प्रकार के व्यक्ति हो गए, एक बच्चा हो गया, एक अभिभावक हो गया. तुमने बीच में दीवार को पैदा कर दिया. बच्चा कैसे जुड़े आपसे, बच्चा क्यों माने आपका कहना? छोटा बच्चा होता है, नर्सरी का बच्चा, एलकेजी का बच्चा, यूकेजी का बच्चा, फर्स्ट क्लास का बच्चा, जब स्कूल से आता है परिवार के सब लोगों के चारों तरफ चक्कर लगाएगा ऐसे, मम्मी पापा, बड़े बाबा, बड़े मम्मी, आज मेरे को टीचर ने ये किया, आज मेरे को टीचर ने ये किया. और घर के सारे व्यक्ति सारे काम छोड़कर बच्चे को सुनते हैं और बच्चा बेहद खुश हो जाता है. जो जो बच्चे की एज बढ़ती जाती है, अब बच्चा फर्स्ट क्लास में था, परिवार के सभी व्यक्ति बच्चे से जुड़े, हाँ बेटा शाबाश गुड बोला. अब अगला दिन बच्चा फिर बोलेगा, अगले दिन बच्चा फिर बोलेगा. एक टाइम ऐसा आता है जो जो बच्चे की एज बढ़ती गई, बच्चा सिक्स क्लास में आया, सारे अभिभावक बैठे हुए, मम्मी पापा बैठे हुए, बच्चे ने आते ही बैग को फेंका और जोर से बोला, मम्मी आज मेरे टीचर ने यूं किया. अब सुनो आप, पता है मम्मी क्या कहती? चुप, मैं इनसे बात कर रही हूं. और जब वो बच्चा छोटा था, नर्सरी का था, एलकेजी का था, उसने जो भी बोला हमने उसको समय दिया. तो बच्चे ने रोजाना में समय दिया. और जो जो हम बढ़ते गए, बच्चे की एज बढ़ती गई, हम उससे दूर हटते चले गए. और समाज में क्या हो रहा है, जितनी बड़ी हमारी बेटियां हो गई वो अपनी सहेलियों को बातें बताती हैं, मम्मी को नहीं बताती. क्या वजह है, क्या रीजन्स हैं इस चीज के? क्योंकि बच्ची को ये आभास है, अगर तने मम्मी को बताया
तो मम्मी आपकी बात को सुनेगी नहीं, उल्टा आपको डांटेगी। दूरियां बन गई। नाइन्थ के बच्चे से अभिभावक ने पूछा, बेटा क्या काम दिया? कुछ नहीं दिया। नर्सरी के बच्चे से पूछा, बच्चे ने तुरंत दिखाया ये कैप कहां से आया। कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा, हम उल्टा चल रहे हैं। नर्सरी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों, घर में मेहमान आया, बेटा अंकल को नमस्ते करो, पैर छुओ, गुड मॉर्निंग बोलो। और जो जो बच्चा बड़ा होता चला गया, नाइन्थ में आया, टेंथ में आया, इलेवेंथ में आया, ट्वेल्थ में आया, बच्चा टीवी देख रहा है, काम कर रहा है, घर में मेहमान आए, मम्मी ने आवाज लगाई, बेटा आंटी आइए नमस्ते करो, बच्चा नहीं आता, क्या वजह हुई? ये बीच में दूरियां क्यों बनी? यही कि बड़ा हो गया। गलत। बच्चे को सबसे ज्यादा संस्कार की जरूरत जब होगी, जब बच्चा 16, 17, 18 साल से बड़ा हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? पेरेंट्स हमें पीटीएम बुलाते हैं, मैक्सिमम हमारे पेरेंट्स आते हैं छोटे बच्चों के, और जो बच्चे बड़े हो गए 9, 10, 11, 12 की, पेरेंट्स उस चीज को दूरियां बना देते हैं। उल्टा, अपने बच्चे को मैं संवारूंगा। स्कूल हॉस्पिटल्स आर ओनली फैसिलिटी, नॉट फिजिबिलिटी। केवल ये सुविधाएं हैं, ये साधन है, उसका अर्थ ये नहीं कि ये सब कुछ ही है। सब कुछ आप हो, बच्चे के सब कुछ माता पिता होते हैं। और हम कई बार कितनी बड़ी गलतियां करते हैं। मेरे बच्चे ने कुछ गलत भी कर दिया, किसी का कोई छोटा सामान चुरा लिया, टीचर का होमवर्क पूरा नहीं किया, टीचर को उसने अब्यूज कर दिया, पड़ोसी को अब्यूज कर दिया, हम क्या करते हैं? पूरे के पूरे बच्चे का मामा को फोन करेंगे, फूफा जी को फोन करेंगे, जीजा जी को फोन करेंगे, और जोर जोर से बताएंगे, आपने सुना है मेरे बच्चे ने तो आज ये कर दिया, मेरा बच्चा तो मेरा कहना ही नहीं मानता। सुनो, कितनी बड़ी गलती कर दी हमने। हमने हमारे बच्चे के बारे में बुरा कह दिया, पब्लिक हमारे बच्चे के बारे में अच्छा बोलेगी ना? जिम्मेवारी लो, बच्चे को बुलाओ, बच्चे को कहो, बेटा मैं आपका फादर हूं, मैं आपकी मदर हूं, मैंने मेरे खून से तुझे सींचा है, आ मेरे पास बैठ, मेरी बात को सुन, और तेरे अंदर जो बात है सबसे पहले मुझे बता, बच्चा आपके साथ जुट जाएगा। आओ मिलके करते, आओ मिलके खाना खाते, बच्चा अपनी पूरी बात बोलेगा, आप सुनिएगा, धैर्य से सुनिएगा, बच्चे ने गलत किया सुनो। हमारे चेयरमैन सर अभी बता रहे थे कि वही चित्रकार सबसे सुंदर व्यक्ति, वही चित्रकार सबसे दुष्ट व्यक्ति, अभी बच्चे बिशप का रोल करके गए, उसने उस चोर को अपनी ओर खींचा, अपनी की रिंग्स उसको दी, पुलिस के सामने बोला ये मेरा मित्र है, और वह बच्चा उसके आत्मसात हो गए। कभी भी, जैसा मैं मानता हूं, मैं आप पर इस बात को कह के अपना दबाव नहीं बना रहा, केवल अपनी बात शेयर कर रहा हूं। कोई अभिभावक अगर ये चाहता है कि मेरा बच्चा मुझ जैसा बने, मेरा बच्चा बहुत अच्छा बने, इसका केवल एक सूत्र है, आपको बच्चे के सामने अपने आप को बच्चे के लेवल पर लाना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो कि मैं बच्चे को दबा के, प्रेशर बना के, दबाव से ये काम करवाऊंगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तब नहीं मानेगा, छोटा है मान जाएगा। एक बार हम इस चीज को जब बहुत ध्यान से समझेंगे ना, कि मेरे बच्चे को कौन ठीक करेगा, हु विल, पड़ोसी करेंगे, टीचर्स करेंगे, कल बच्चे की बीमारी हो गई डॉक्टर्स ठीक कर देंगे। मेरे अपने ख्याल से कहीं ना कहीं हम गलती पर हैं। टीचर सुविधाएं दे सकते हैं, टीचर रास्ता बता सकते हैं, जिस तरीके से हमारे गूगल मैप्स में हम मोबाइल में चले कि मुझे वहां जाना है, केवल रास्ता दिखाएगा, जाना यू हैव टू, आपको ही पड़ेगा। मेरे बच्चे की जितनी जिम्मेवारी है, जब मैं लूंगा बच्चा आपके साथ साथ चलेगा। और कभी भी गलतियां सभी से होती हैं, क्या बड़ों से नहीं होती? बच्चे को हम इस तरीके से टूट के पढ़ते हैं, इस तरीके से टूट के पढ़ते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, 2 रुपए का कप टूट गया, सब्जी गिर गई, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, उसका अर्थ यह हुआ कि बच्चे को आप पूरा प्रेशराइज करोगे, तने ऐसा क्यों किया, बच्चे ने कर दिया, हो गया, उसको समझो, बच्चे को दोबारा से मौका दो, बच्चा अच्छा बन जाएगा।
बच्चे के ऊपर सेम पीन क्यों कर दी जाती है कि तू फेल हो गया, तेरे नंबर कम आए, तेरी कोई बात नहीं, क्या हो गया, दूसरा काम कर लेगा, तीसरा काम कर लेगा, चौथा काम कर लेगा। आप सभी लोगों ने अपने अमूल्य समय में से हमारे पास आए, जुड़े, संस्था के बारे में समझा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। एक बात मैं हल्का सा और भी कहना चाहूंगा, अगर आपके पास एक मिनट का समय हो, बच्चे की सारी जो बातें हैं ना बिल्कुल सही हैं, बच्चे की अदर परफॉर्मेंस, अदर एक्टिविटीज सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ और भी बात है। बच्चे के दो सब्जेक्ट होते हैं सबसे महत्वपूर्ण, मैथ और साइंस। मैथ गिनने की क्षमता पैदा करता है, साइंस सोचने की क्षमता पैदा करता है। थोड़ा सा कोई बच्चा डांस में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा तीरंदाजी में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा बहुत अच्छा नाटक कर सकता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा काम कर सकता है, गुड एक्सीलेंट। पर बच्चे की बौद्धिक क्षमता को डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं मैथ और साइंस को आप पीछे नहीं कर सकते। मैं हमारे विद्यालय के बारे में एक खास बात बताना चाहूंगा, जो हो सकता है कि कुछ अभिभावक उसको दूसरे अर्थों में भी ले सकते हैं कि जी आप दबाव बहुत देते हो। पीछे हमारा एक प्लस वन का बच्चा था, मैं उस बच्चे से पूछा कि बेटा हाउ आर यू, हाउ योर स्टडिंग आर गोइंग ऑन, स्टूडेंट रिप्लाई, सर टू मैनी एग्जामिनेशन एंड टू मैनी प्रेशर, जी इतने सारे पेपर होते हैं, जी इतने सारे टेस्ट करवाते हो, हम तो इतना पढ़ते हैं, हम पिछले स्कूल में इतना पढ़े ही नहीं, हमारे मम्मी पापा ये कहते हैं कि भाई स्कूल में दबाव बहुत है, काम बहुत करवाते हैं। एक बार आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इस एज में जो बच्चों की एज होती है, क्या कोई ऐसा तरीका होता है कि बच्चा उस बात को अपने आप ये समझ ले कि नहीं भाई मैं बड़ा हूंगा तब मैं ये काम करूंगा। अब बच्चे से कोई काम करवाने के लिए केवल तरीका ही नहीं चलेगा, आदत तो बनानी पड़ेगी, बच्चे को बैठाना पड़ेगा, बच्चे को कहना पड़ेगा कि बेटा आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो, बच्चा थक जाता है। तो आजकल एक नया वर्ड आ रहा है, बच्चे ये कह देते हैं कि मेरी तो रुचि ही नहीं है, कैसे पैदा होगी, उसका केवल एक तरीका है, कंडीशनिंग, हैबिट। अब बच्चे में लिखने की हैबिट कैसे बनेगी, बच्चे में होमवर्क करने की हैबिट कैसे बनेगी, जब बच्चे को वही काम डेली करवाया जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा करवाया जाएगा। आज बच्चा 2 फुट छलांग लगा रहा है तो बच्चे से 2.5 फुट लगवाएंगे, 3 फुट लगवाएंगे। बच्चे के पहले यूनिट टेस्ट में 30 में से 10 नंबर आए, दोबारा यूनिट टेस्ट। और जब स्टूडेंट कंटिन्यूस चीज को करता जाएगा, तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक दिन बच्चे की हैबिट बन जाएगी। अगर बच्चे के हाल पर हम ये बात छोड़ दें कि बेटा आप कर लेना, यस यू आर डूइंग गुड, तो कब बनेगी। और कई की बार किसी काम को करवाने के लिए बच्चे को हम जिद नहीं बता रहे, आप थोड़ा सा हल्का सा बच्चे को कभी कभार हारना भी सिखाओ। बच्चे ने जिद कर ली, मम्मी मेरी सहेली वहां पर जा रही है, मैं जाऊं, नहीं बेटा आप नहीं जाओगे, बच्ची नाराज होगी। कई की बार बच्चे को यह भी सिखाओ कि बेटा हर बार जिद करनी ही बात नहीं है, मैं तेरे को इससे भी बेहतरीन ले चलूंगा, अच्छे से ले चलूंगा, आप अंदर बैठो। तुरंत घर में विवाद हो जाएगा, दूसरा घर का मेंबर ये कहेगा नहीं आप गलत कर रहे हो। जब बच्चे की इच्छा है तो उसको जाने दो। तो अगर हम इसी प्रवृत्ति के ऊपर इन इच्छाओं को पूरी करने में ही लग गए तो मैं नहीं मानता कि इच्छाओं का अंत होता है। किसी अच्छे काम को अच्छे ढंग से करवाने के लिए कई की बार हारना भी पड़ेगा, नहीं भी तुम नहीं जा सकते, खाने की प्लेट लगी हुई है, कई की बार रुकना भी पड़ेगा, नहीं तुम नहीं खा सकते। अब कई की बार हम ये सोचते हैं कि ये तो दबाव हो गया, बच्चे की हमने इच्छा के विरुद्ध काम किया, लेकिन अच्छे काम के लिए कई की बार काम को रोकना भी पड़ेगा। अगर हम सारी ही बच्चे की बातों को मानते गए, बच्चे की बातों को मानते गए, आज बच्चे ने 1000 रुपी मांगे तो कल बच्चा ये कहेगा मुझे 1500 चाहिए, नेक्स्ट दिन चाहिए 2000 चाहिए, तो हम तो मानते ही चले जाएंगे। कई की बार उसको हारना भी सिखाओ, उसको कहो नहीं यू कांट डू दिस थिंग इन दिस वे, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा आपसे जुड़ेगा। उस बच्चे को ये रियलाइज कराओ बेटा मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपका
फादर हूँ, मेरे से ज्यादा तेरे बारे में कौन सोचेगा। और जिम्मेवारी को समझो, टीचर से कोई बात करवानी है, डॉक्टर से कोई बात करवानी है, सबसे पहले उस जिम्मेवारी को यूं लो, ये मेरा है, मेरे बच्चे में ये दिक्कत है, आप इसकी ये मदद करो, आप इसकी ये मदद करो। हम क्या करते हैं तुरंत, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, आपने ऐसा क्यों किया? तो अच्छा कब हुआ? जब वो घटना घटी है तभी तो हुआ है, फिर अच्छा कब? समय का बेहद अभाव है। हम एक बार दोबारा से इस चीज को कभी बैठेंगे तो डिस्कस करेंगे। ढेर सारा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया, इतने ध्यान से बच्चों का मनोबल बढ़ाया। एक बार बच्चों के अच्छे प्रदर्शन के लिए जोरदार तालियां लगाओ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स।